अस्सलाम वालेकुम मेरा बेटा, आज की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 1.2 को स्टार्ट कर रहे हैं और ये एक्सरसाइज 1.2 का लेक्चर नंबर 1 होगा। तो भाई सबसे पहले नंबर के ऊपर एक्सरसाइज 1.1 को कंप्लीट कर चुके हैं वो तमाम के तमाम स्टूडेंट्स जो कि ऑनलाइन बैच में शामिल हैं, मेरा बेटा आपका एक्सरसाइज 1.1 का टेस्ट कमिंग संडे को यानी कि कल के दिन होगा इंशाल्लाह ताला। सही ना भाई? तो तरीकेकार मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ, नहीं तो मैं व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर आपके आपको एक डिटेल के अंदर ऑडियो मैसेज शेयर भी कर दूंगा किस तरीके से आप लोगों का टेस्ट होगा और किस तरीके से आपको परफॉर्म करना होगा। यही फायदे आपको इन क्लासेस का हिस्सा बनने का कि इसमें ना सिर्फ आपकी लाइव क्लासेस होंगी बल्कि साथ साथ आपके वीकली टेस्ट भी होंगे। तो पहला टेस्ट आपका एक्सरसाइज 1.1 का कल संडे वाले दिन इंशाल्लाह होगा। क्लियर है भाई? अब हम फाइनली मूव कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 के ऊपर, एक्सरसाइज 1.2 का लेक्चर नंबर 1। तो भाई लेक्चर नंबर 1 के अंदर सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 का जिक्र करेंगे। आई होप आप तमाम लोगों ने किताबें परचेज कर ली हैं। अगर नहीं करी है तो बेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक डाला हुआ होगा जब आप वीडियो देखोगे बाद में, नहीं तो आपके पास पीडीएफ अवेलेबल होगी उससे भी आप देख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही मजे का है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि यार तुम्हारे पास तीन कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1, Z2 एंड Z3। एग्जामिनर ने आपको Z1 की वैल्यू दी हुई है, एग्जामिनर ने आपको Z1 की वैल्यू दी हुई है 3 माइनस का 4 आयोटा। एग्जामिनर ने आपको Z1 की वैल्यू क्या दी हुई है 3 माइनस 4 आयोटा और Z2 की वैल्यू गिवन है आपको 4 प्लस का 5 आयोटा। Z2 की वैल्यू गिवन है 4 प्लस का 5 आयोटा और Z3 की वैल्यू गिवन है नेगेटिव का 5 प्लस का 6 आयोटा। यानी कि आपको Z1 गिवन है 3 माइनस 4 आयोटा, Z2 गिवन है 4 प्लस 5 आयोटा और Z3 गिवन है आपको माइनस का 5 प्लस का 6 आयोटा। एग्जामिनर ने आपको ये तीन तरह के कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन दिए हुए हैं। आप आगे आपसे जो कहा जा रहा है बड़ी मजे की टर्म है, कहता है वेरीफाई करो। पार्ट 1 कॉम्प्लेक्स नंबर होता है क्या, इसकी एडिशन कम्यूटेटिव है, मल्टीप्लीकेशन कम्यूटेटिव है, ब्ला 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 दिस दिस दिस। अब ये सब चेक करेंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को बेसिकली समझो, कहना क्या चाह रहा है एग्जामिनर। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आपको तीन कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है Z1, Z2, Z3। आपसे कहा यह जाता है कि भाई तुमने पांचों पार्ट को सॉल्व करना है। अब गौर से देखिएगा पार्ट नंबर 1 क्या है। पार्ट नंबर 1 में कहता है इस बात को प्रूफ करके बताओ क्या एडिशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, एडिशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर कम्यूटेटिव होती है नहीं होती है। अब ये कैसे प्रूफ करें या कम्यूटेटिव होता क्या है, पहले इस बात को समझना जरूरी होगा कि भाई ये पार्ट 1 क्या कह रहा है, क्योंकि आपके पास ये एमसीक्यूज में आ सकता है या किसी शॉर्ट क्वेश्चन का सब पार्ट भी आ सकता है। तो भाई पहले इस लफ्ज कम्यूटेटिव को समझिएगा मेरा बेटा। कम्यूटेटिव दुनिया के अंदर या मैथ्स की जबान के अंदर एक लॉ होता है, इसके मुताबिक दुनिया में कभी भी दो या तीन टर्म्स को अगर आपस में आप सॉल्व करो, आपस में अगर आप उनको सॉल्व करो विदाउट कंसीडरिंग देयर ऑर्डर, हमेशा आंसर आपका सेम आना चाहिए। यानी कि मैं ए स्टेरिक बी करूं या बी स्टेरिक ए करूं आंसर सेम आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं ए स्टेरिक बी स्टेरिक सी कर दूं या फिर मैं ऐसे कर दूं सी स्टेरिक बी स्टेरिक ए, यानी कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि भाई आप सिंपल तरीके से इररिस्पेक्टिव ऑफ द ऑर्डर टर्म्स को मल्टीप्लाई करो आंसर सेम आए। कहता है कि भाई बताओ एडिशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। हमेशा ये बात अपने जहन में रखिएगा, एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग कि एडिशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ कम्यूटेटिव। अभी हम इस बात को प्रूफ करेंगे, अभी हम इस बात को प्रूफ करेंगे, मगर एमसीक्यूज भी बहुत दफा पूछा जाता है, यूनिवर्सिटी लेवल पे भी आता है, इंटर साइड पे भी आता है कि भाई ये प्रॉपर्टी बिल्कुल सही है, जो पार्ट नंबर 1 है बिल्कुल सही कह रहा है कि एडिशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर बाकी में कम्यूटेटिव होता है। कैसे होता है मैं चेक करके आपको बता देता हूं। लेट सपोज देखो आपको तीन कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, मैं इनमें से पहला कॉम्प्लेक्स नंबर लेता हूं, Z1 की वैल्यू क्या है 3 माइनस का 4 आयोटा
और मेरा बेटा Z2 की वैल्यू क्या है, 4 प्लस का 5 आयोटा। और मैं तीसरा, पहले चलो 2 पे करके दिखा देता हूँ आपको। मैं सिंपल तरीके से क्या करता हूँ, Z1 प्लस Z2 को पहले फाइंड कर लेता हूँ। Z1 प्लस Z2 क्या होगा मेरा बेटा, Z1 की वैल्यू है 3 माइनस का 4 आयोटा, प्लस का सिंबल 4 प्लस का 5 आयोटा है Z2 की वैल्यू। भाई एडिशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे करते हैं, बहुत आसान सी चीज है। एडिशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होती है, रियल पार्ट में एड होगा, 3 प्लस 4 क्या हो जाएगा, 7। इमेजिनरी पार्ट में होगा, -का 4 आयोटा प्लस का 5 आयोटा क्या होगा, सिंपल तरीके से इट विल बी प्लस का आयोटा। तो हमारे पास Z1 प्लस का Z2 किसके बराबर आएगा, हमारे पास सिंपली Z1 प्लस Z2 की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरा बेटा, हमारे पास Z1 प्लस Z2 की वैल्यू आ जाएगी 7 प्लस का आयोटा। 7 प्लस का आयोटा ये क्या ही, Z1 प्लस Z2 की वैल्यू। अब अगर तो कम्यूटेटिव है तो ऑब्वियसली ये भी वही होना चाहिए। अब Z2 प्लस Z1 करके चेक कर लेते हैं, क्या करके चेक कर लेते हैं, Z2 प्लस Z1। तो Z2 प्लस Z1 क्या होगा, Z2 क्या, देखो Z2 है 4 प्लस का 5 आयोटा। अब की बारी में ऑर्डर चेंज कर रहा हूं, पहले Z1 प्लस Z2 किया था, अब Z2 प्लस Z1 कर रहा हूं। तो Z1 की वैल्यू क्या है, 3 माइनस का 4 आयोटा। आइए सिंपल ऐड करना है, तो रियल पार्ट से 4 प्लस 3 7, इमेजिनरी पार्ट से 5 माइनस का 4 किसके बराबर आएगा, प्लस के आयोटा के। तो गौर से देखो, हमने जब Z1 प्लस Z2 करा या Z2 प्लस Z1 करा, दोनों सूरतों में हमारे पास आंसर क्या आएगा, सिमिलर आएगा। यानी कि एडिशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ कम्यूटेटिव टर्म, ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग। बहुत दफा एमसीक्यूज में चीज पूछी जाती है कि भाई एडिशन जो है कॉम्प्लेक्स नंबर की ये क्या होती है, कम्यूटेटिव है, एसोसिएटिव है, मल्टीप्लीकेशन है, क्या है, बला बला बला, 4 ऑप्शन होंगे। हमेशा याद रखिएगा, एडिशन कैसी होती है, कम्यूटेटिव होती है। हमने प्रूफ कर लिया, आप चाहे तो Z3 Z2 पे प्रूफ कर सकते हो, आप चाहे Z1 Z3 पे कर सकते हो, दोनों सूरतों में आंसर सिमिलर आएगा, क्योंकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। यानी कि इररिस्पेक्टिव ऑफ द ऑर्डर, आप पहले Z1 रखो है बाद में Z2 रखो, आप पहले Z2 रखो है बाद में Z3 रखो, Z3 पहले रखो Z2 बाद में रखो, दोनों सूरतों में हमेशा आंसर सिमिलर होता है। क्यों सिमिलर होता है, क्योंकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। अच्छा भाई, सेकेंड ऑप्शन देखिएगा, अब सबको क्लियर है वाला पार्ट, ये नॉर्मली शॉर्ट में आ सकता है या फिर एमसीक्यूज में मेजोरिटी दफा आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 कहते हैं मल्टीप्लीकेशन प्रूफ करके बताओ, क्या कह रहे हैं मेरा बेटा, मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर कम्यूटेटिव है नहीं है। आइए चेक कर लेते हैं क्या कह रहे हैं, प्रूफ करके क्या बताओ, मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर कम्यूटेटिव है या नहीं है। इसने ये जुमला लिखा हुआ है, स्टेटमेंट लिखी हुई है, हमें प्रूफ करने हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स के ऊपर। तो आइए प्रूफ कर लेते हैं भाई, पता चल जाएगा है या नहीं है, सही ना मेरा बेटा। तो देखो यार, क्वेश्चन ने मुझे Z1 की वैल्यू क्या गिवेन है, अच्छा आपकी चॉइस है भाई, 3 कॉम्प्लेक्स नंबर गिवेन है। चलो आपकी बारी में Z2 Z3 पे कर लेते हैं। Z2 की वैल्यू मुझे क्या गिवेन है, 4 प्लस का 5 आयोटा। और Z3 की वैल्यू देखो क्वेश्चन में, बेटा ये मैं क्वेश्चन, मेरे सामने बुक पड़ी हुई, क्वेश्चन लिख रहा हूँ, क्या है क्वेश्चन में, Z3 की वैल्यू -का 5 प्लस का 6 आयोटा। तो आइए चेक कर लेते हैं, पहले मैं कर लेता हूँ Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2। पहली दफा में क्या कर लेता हूँ, सॉरी हमने यहाँ पे Z2 Z3 लिया है ना, तो पहली दफा में मैं चेक कर लेता हूँ Z2 मल्टीप्लाई बाय Z3। आइए जरा, Z2 की वैल्यू क्या है मेरा बेटा, Z2 की वैल्यू है 4 प्लस का 5 आयोटा। Z3 की वैल्यू क्या है, और से देखो, Z3 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, क्या है, -का 5 प्लस का 6 आयोटा। तो Z2 इंटू Z3 क्या होगा, और से देखिएगा मेरा बेटा। देखो सिंपल मल्टीप्लीकेशन यार, बेसिक मल्टीप्लीकेशन रियल कॉम्प्लेक्स नंबर की सिखाई भी है। क्या होगा भाई, 2 ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई, 4 5 इंटू -का 20 हो जाएगा, 4 इंटू +6 4 6 24 आयोटा, 5 आयोटा इंटू -5 -का 5 5 25 आयोटा, और 5 आयोटा इंटू 6 आयोटा 5 6 30 आयोटा स्क्वायर। तो नेगेटिव का 20 एज इट इज, 24 माइनस का 25 आयोटा, प्लस का 24 माइनस 25 क्या हो जाएगा, -का आयोटा। और 30 आयोटा स्क्वायर का मतलब -1 होता है, तो -का 30 हो गया, -का 20 और -का 30 हो गया, -का 50 नेगेटिव का आयोटा। जब आपने Z2 मल्टीप्लाई बाय Z3 करा तो आपके पास ये आंसर आ रहा है, जब आपने Z2 मल्टीप्लाई बाय Z3 करा तो आपके पास आंसर क्या आ रहा है मेरा बेटा, ये आ रहा है। आइए अब क्या कर सकते हैं भाई, अब सिंपल तरीके से चेक कर लेते हैं इसके अपोजिट के ऊपर। अब क्या चेक कर लेते हैं, आया Z3 इंटू Z2 का ये आंसर है नहीं है। अगर तो यही आंसर होगा तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि भाई सिंपल तरीके से, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब सिंपल तरीके से ये होगा कि भाई हमारे पास इसका मतलब आंसर करेक्ट आ रहा है। यानी कि अगर मैं Z3 को Z2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, ये आंसर आ जाता है। इसका मतलब क्या होगा, हमने सही मल्टीप्लीकेशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। तो आइए चेक कर लेते हैं बातें करने के ऊपर, हम सिंपल तरीके से चेक करते हैं आपकी बारी में Z3 को Z2 से मल्टीप्लाई करके। तो भाई देखो, Z3 की वैल्यू क्या गिवन है, Z3 है
माइनस का 5 प्लस का 6 आयोटा, और जेड टू की वैल्यू क्या है 4 प्लस का 5 आयोटा। कैसे चेक करेंगे भाई, रियल पार्ट से। माइनस का 5 4 माइनस का 20, सही ना भाई, क्या हो जाएगा माइनस का 20। फिर माइनस का 5 जाके 5 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा माइनस का 25 आयोटा। फिर 6 आयोटा 4 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा प्लस का 6 4 24 आयोटा। 6 आयोटा जब 5 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो 6 5 प्लस का 30 आयोटा स्क्वायर, 30 आयोटा स्क्वायर। तो भाई आयोटा स्क्वायर इज -1, तो -30 -20 क्या हो जाएगा -30 -20 माइनस का 50, और -25 आयोटा प्लस 24 आयोटा माइनस का आयोटा। देखो गौर से, जब हम लोगों ने Z2 मल्टीप्लाई बाय Z3 करा, जब हम लोगों ने Z2 को Z3 से मल्टीप्लाई करवाया तो ये आंसर आया, और जब Z3 को Z2 से मल्टीप्लाई करवाया तब भी ये आंसर आया। तो एक और अपने पास एमसीक्यूज के तौर पे याद रखिएगा कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कि भाई मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर किसको फॉलो करती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करती है। ये बात शॉर्ट क्वेश्चन में जरूरी नहीं है पूछी जा सके, एमसीक्यूज बहुत सारे इस पे आ सकते हैं कि भाई बताओ मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या किसको फॉलो करती है, किस लॉ को फॉलो करती है। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को। इसी तरीके से एडिशन भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करती है। यहां तक किसी बच्चे को कोई मसला, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम, जल्दी से पूछ। अच्छा भाई, हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 पार्ट 2 सॉल्व कर लिया, अब पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट 5 पे मूव करते हैं। मेरा बेटा देखो, ये जो पार्ट्स हैं ज्यादा इंपॉर्टेंट भी, और पेपर में इनके आने के चांसेस भी और ज्यादा होंगे। पार्ट नंबर 3 क्या कह रहा है, पार्ट नंबर 3 कह रहा है प्रूफ करके बताओ एडिशन, एडिशन को प्रूफ करके बताओ क्या एडिशन जो होता है ये एसोसिएटिव होता है, यानी कि क्या प्रूफ करके बताओ एडिशन विद रिस्पेक्ट टू कॉम्प्लेक्स नंबर क्या ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में वेरीफाई करेगा, यानी कि एडिशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर करना है किसके ऊपर, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के ऊपर। किसके ऊपर मेरा बेटा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के ऊपर। हमने इस बात को वेरीफाई करना है कि जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन करते हैं तो क्या ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को वेरीफाई करता है नहीं करता। सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बड़ी सिंपल सी प्रॉपर्टी कहलाती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बहुत सिंपल सी प्रॉपर्टी है। क्या है भाई, कि आप तीन टर्म्स को सिंपल वेरीफाई करवाते, अच्छा भाई जी एसोसिएटिव क्या हो जाएगा, ए स्टेरिक बी स्टेरिक सी इज इक्वल टू ए स्टेरिक सी इंटू स्टेरिक बी। सिंपल सी प्रॉपर्टी होती है, सिंपल सी प्रॉपर्टी होती है। या फिर उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो यार, अगर ये मुश्किल लगे आपको, आप इसको ऐसे लिख लो ए स्टेरिक बी स्टेरिक सी, इस तरह से भी इस प्रॉपर्टी को आप वेरीफाई कर सकते हो, लिख सकते हो। क्लियर है मेरा बेटा, ये सिंपल सी प्रॉपर्टी होती है भैया, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब ये कैसे वर्क करते हैं, क्या होती है क्या नहीं होती भी सीखेंगे। हमें किसके रेफरेंस से कहा जा रहा है प्रूफ करने के लिए, एडिशन के रेफरेंस से। इस पार्ट के अंदर किसके रेफरेंस से कह रहा है प्रूफ करके बताओ, एडिशन के रेफरेंस से। तो मेरा बेटा कैसे करेंगे इसको वेरीफाई, देखो सिंपल सी बात है, मुझे तीन कॉम्प्लेक्स नंबर गिवेन है क्वेश्चन के अंदर। मुझे इस क्वेश्चन के अंदर क्या गिवेन है, तीन कॉम्प्लेक्स नंबर गिवेन है इस क्वेश्चन के अंदर। कोई मसले की बात नहीं है, बच्चों की तरह सॉल्व कर सकते हैं। हमेशा ये बात याद रखिएगा कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी तीन टर्म्स के ऊपर ही अप्लाई हो सकती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी दो टर्म्स पे अप्लाई होती है, एसोसिएटिव तीन के ऊपर। कॉम्प्लेक्स नंबर कौन कौन से गिवन है, Z1 गिवन है, Z1 की वैल्यू है 3 माइनस का 4 आयोटा। Z2 गिवन है, Z2 की वैल्यू है 4 प्लस का 5 आयोटा। और मेरा प्यारा बेटा हमें Z3 गिवन है, Z3 की वैल्यू है नेगेटिव का 5 प्लस का 6 आयोटा। क्लियर है, हमें तीन चीजें गिवन है क्वेश्चन में बेसिकली। तो अगर मुझे सॉल्व करना है क्वेश्चन को तो आइए जरा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ड्रॉ करते हैं। कैसी होगी, हमें चूंकि एडिशन के रेफरेंस से करनी है तो ये होगी बेसिकली Z1 प्लस का Z2 और फिर प्लस का Z3। इक्वल टू के इस तरफ क्या होगा, इक्वल टू के इस तरफ होगा Z1 प्लस का Z2 प्लस का Z3, यानी कि सिंपली वेरीफाइड्स के ऊपर जाएंगे Z2 प्लस का Z3। तो हमारे पास जो एसोसिएटिव का फॉर्मूला बनेगा विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, वो कुछ इस तरह से बनेगा। सर ये फॉर्मूला आपने कैसे बनाया, अरे मेरा प्यारा बेटा एसोसिएटिव का जो नॉर्मल लॉ होता है उसमें भाई चूंकि हम एडिशन के रेफरेंस से वेरीफाई करने पे जा रहे हैं इसलिए हर जगह पे एडिशन का सिंबल आ जाएगा प्लस का, यानी कि फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म ब्रैकेट के अंदर प्लस थर्ड टर्म इक्वल टू के बाद फर्स्ट टर्म पहले आ गई, थर्ड
प्लस का सेकंड थर्ड टर्म ब्रैकेट के अंदर आ गई। सिंपल आप वैल्यूज डाल दोगे। जेड वन की वैल्यू क्या है? जेड वन की वैल्यू है 3 माइनस का 4 आयोटा प्लस का सिंबल। जेड टू की वैल्यू क्या है? 4 प्लस का 5 आयोटा। जेड टू की वैल्यू क्या है? 4 प्लस का 5 आयोटा। प्लस के सिंबल के बाद क्या है? प्लस के सिंबल के बाद आ रहा है जेड थ्री, और जेड थ्री की वैल्यू क्या है? -5 प्लस का 6 आयोटा। तो पहले हम इस लेफ्ट हैंड साइड को लेके चल रहे हैं, पहले हम इस लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रहे हैं, सही है ना भाई? तो कैसे करते हैं एडिशन? रियल पार्ट से इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट से। 3 प्लस का 4 क्या हो जाएगा? 7। -का 4 आयोटा +का 5 आयोटा क्या हो जाएगा? +का आयोटा। और प्लस के सिंबल के बाद क्या है? -का 5 प्लस का 6 आयोटा एज इट इज। फर्दर सिंप्लीफाई करूंगा, रियल पार्ट से 7 में से 5 गया, 2 बचेगा। +का आयोटा +का 6 आयोटा +का 7 आयोटा। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने पे क्या आ गया? 2 प्लस का 7 आयोटा मिलता है। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने के ऊपर क्या मिलता है? 2 प्लस का 7 आयोटा। अब राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे भाई, तो राइट हैंड साइड हमारे पास क्या, उसको सॉल्व करने पे मूव कर लेते हैं जल्दी से। ये रही राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड हमसे क्या कह रही है? ये कह रही है जेड वन बाद में आएगा, पहले ब्रैकेट के अंदर क्या है? जेड टू प्लस का जेड थ्री, सही है ना भाई? जेड वन की वैल्यूज पुट कर दो मेरा बेटा। जेड वन की वैल्यू क्या है? जेड वन की वैल्यू है ब्रैकेट में 3 माइनस का 4 आयोटा प्लस का सिंबल। जेड टू की वैल्यू क्या है? जेड टू की वैल्यू है 4 प्लस का 5 आयोटा प्लस का सिंबल, फॉर्मूले का एज इट इज। जेड थ्री की वैल्यू क्या है? -का 5 प्लस का 6। -का 5 प्लस का 6 आयोटा। सिंप्लीफाई कर लेते हैं भाई, पहले ब्रैकेट वाले टर्म्स को सॉल्व करेंगे, तो 3 माइनस का 4 आयोटा एज इट इज, बाहर का बाहर एज इट इज। अच्छा देखो भाई, 4 में से अगर 5 निकालूंगा तो नेगेटिव का 1 बचता है, और 5 आयोटा प्लस 6 आयोटा क्या हो जाएगा? 5 और 6, 5 और 6 हमेशा होता है मेरा बेटा 11 के बराबर, 11 आयोटा। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर देता हूँ, 3 में से अगर 1 निकालूंगा तो 2 बचेगा, और नेगेटिव का 4 आयोटा प्लस का 11 आयोटा, -4 प्लस का 11 ये बनेगा +का 7 आयोटा। तो गौर से देखो, लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करा या राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करा, दोनों सूरतों में हमारे पास आंसर क्या आया मेरा बेटा? आंसर हमारे पास सिमिलर आया। ये क्या काम करा? दोबारा से एक बार क्विक रिविजन देता हूँ मेरा बेटा। देखो, पार्ट नंबर 3 में बेसिकली आपसे कहा जा रहा है कि आपको जो ओरिजिनली क्वेश्चन के अंदर 3 कॉम्प्लेक्स नंबर गिवेन है ना, ये 3 कॉम्प्लेक्स नंबर आपने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को अप्लाई करके बताना है कि एडिशन का फंक्शन वेरीफाई हो रहा है नहीं हो रहा। यानी कि बाय यूजिंग द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यू हैव टू वेरीफाई कि एडिशन इज ऑपरेशन और नॉट। कैसे करेंगे भाई? सिंपल, मैंने आपको पहले एसोसिएटिव का लॉ बता दिया, लॉ क्या होता है एसोसिएटिव का। फिर हमने सिंपली, चूंकि एडिशन के रेफरेंस से कर रहे थे, तो यहाँ पे जहां जहां डायरेक्ट हमें प्लस प्लस लगा दिया हम लोगों ने, और ए बी सी की जगह पे जेड वन जेड टू जेड थ्री को पुट कर दिया। और फिर सिंपली हम लोगों ने कुछ भी नहीं करा है, ये सारा काम जो करे बच्चों वाला काम है, नर्सरी क्लास का बच्चा सॉल्व कर दे। तो हमने परेशान नहीं होना इसमें, हमने सिंपली इसमें वैल्यूज को पुट करा, काटम पीटी करी, रियल पार्ट रियल से, इमेजनरी पार्ट इमेजनरी से। लेफ्ट हैंड साइड की भी देखो वही वैल्यू आई जो राइट हैंड साइड की आई। इस तरीके से हमारा एक क्वेश्चन क्या हो जाएगा? सिंप्लीफाई हो जाएगा। क्लियर है मेरा प्यारा बेटा? सिंपल सी बात है, बच्चे बच्चे सॉल्व करते हैं। क्लियर है भाई किसी बच्चे को इसमें कोई मसला? कोई? अच्छा भाई, नाउ मूविंग ऑन दी पार्ट नंबर 4। अब हमसे क्या कहा जा रहा है पार्ट नंबर 4, जरा गौर से पढ़िएगा। आपसे कह रहा है कि बताइए मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है नहीं करता। यानी कि आप कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लीकेशन करते हो, आपको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो होती है नहीं होती है? अगेन मेरा प्यारा बेटा, यानी कि इस पार्ट के अंदर हमें बेसिकली एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को वेरीफाई करवाना है मल्टीप्लीकेशन पे। एंड वी ऑल नो दिस थिंग, क्या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का फॉर्मूला क्या, हम सबको मालूम है क्या फॉर्मूला होता है भाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का? ए स्टेरिक बी ब्रैकेट में स्टेरिक सी इक्वल टू ए स्टेरिक बी स्टेरिक सी। ये नॉर्मली फॉर्मूला है एसोसिएटिव लॉ का। अब अगर मुझे मल्टीप्लीकेशन का फॉर्मूला वेरीफाई करवाना है, तो जाहिर सी बात है 3 कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है जेड वन जेड टू जेड थ्री, क्या हो जाएगा मेरा बेटा विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन? इट विल बी जेड वन मल्टीप्लाई बाय जेड टू और मल्टीप्लाई बाय जेड थ्री इक्वल टू के बाद जेड वन मल्टीप्लाई बाय जेड टू मल्टीप्लाई जेड थ्री। यानी कि हमें इस चीज को वेरीफाई करना पड़ेगा, हमें इस चीज को वेरीफाई करना है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, ये कहलाएगी। सिंपल सी बात है, देखो इसके रट्टे नहीं मारने, ये फॉर्मुला नहीं है कोई। अगर आपको बेसिक एसोसिएटिव लॉ मालूम है, आप सिंपल ए बी सी की जगह पे जेड वन जेड टू जेड थ्री रखोगे, और जिस जो भी प्रॉपर्टी नेम है वो ऑब्वियसली आपके पास एज ऑपरेशन आ रहा होगा, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई, एडिशन है तो एडिशन, सही ना मेरा बेटा? सिंपल वैल्यूज को पुट करवाना है। तो भाई 5 नंबर के लिए ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है, पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट 5 5 नंबर के लिए आपके शॉर्ट के अंदर पूछा जाएगा।
पार्ट थ्री, पार्ट फोर, पार्ट फाइव, क्वेश्चन नंबर वन का इसको मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरा बेटा, सही है ना। तो क्वेश्चन नंबर फोर आपसे क्या कह रहे हैं, पार्ट फोर आपको जेड वन की वैल्यू गिवेन है थ्री कॉमा नेगेटिव फोर, ऑब्वियसली आपको जेड टू गिवेन है मेरा बेटा, क्या गिवेन है, जेड टू फोर कॉमा फाइव, मैं ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में लिख रहा हूँ जानबूझ के ताकि मेहनत मेरी कम लगे। जेड थ्री आपको गिवेन है बेसिकली माइनस का फाइव कॉमा सिक्स, ये आपको कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है। तो आइए इनको जरा पुट करवा देंगे, कोई मसले की बात थोड़ी कि बच्चे बच्चे सॉल्व करते हैं भाई हमारे शागिर्द। तो क्या बनेगा मेरा बेटा, जेड वन में जेड वन की वैल्यू, जेड वन क्या है थ्री माइनस का फोर आयोटा, फिर ये मल्टीप्लाई है, क्या है मेरा बेटा मल्टीप्लाई है, तो ये ब्रैकेट बाहर है, दैट इज जेड टू की वैल्यू क्या है फोर प्लस का फाइव आयोटा, ये मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई दैट इज, और फिर बाहर मल्टीप्लाई के क्या है जेड थ्री, जेड थ्री क्या है माइनस का फाइव प्लस का सिक्स आयोटा, इसको भी ब्रैकेट में रख देता हूं मैं भी, सही है। पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रहे हैं, अच्छा यहाँ पे आप लिख दोगे लेफ्ट हैंड साइड, सही है ना भाई, यहाँ पे लिख दोगे लेफ्ट हैंड साइड। अच्छा आप अगर चाहो थोड़ा सा और अच्छे करके भी इसको लिख सकते हो, मैंने थोड़ा सा अच्छा करके नहीं और बता देता हूँ आपको, कि भाई अच्छा बच्चा जो होता है ना वो क्या करेगा, पहले लिख देगा कि भाई पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड को ले रहा हूँ, फिर पहले वो लेफ्ट हैंड साइड वाले फंक्शन को उतार दे। तो देखो स्टेप्स के मार्क्स होते हैं, अगर आप मुझसे पढ़ लो मेरा बेटा, मैं आपको एक एक प्रेजेंटेशन करने का तरीका भी साथ साथ सिखाऊंगा इंशाल्लाह, सही है ना भाई। तो पहले अच्छे बच्चे ने पांच नंबर के लिए क्वेश्चन आ रहे, तो ऑब्वियसली मेहनत करनी पड़ेगी, तो आपने पहले लेफ्ट हैंड साइड को नीचे लिख दिया, लेफ्ट हैंड साइड ये आ रही है, अब आप फिर वैल्यूज डालो, अब आप वैल्यूज डालो, जेड वन की वैल्यू क्या है थ्री माइनस का फोर आयोटा, मल्टीप्लाई बाय जेड टू की वैल्यू क्या है फोर प्लस का फाइव आयोटा, सही है ना, बाहर क्या आ रहा है सिंपल जेड थ्री, जेड थ्री की वैल्यू क्या है जेड थ्री आ रहा है माइनस का फाइव प्लस का सिक्स आयोटा, सही है मेरा बेटा। अच्छा भाई अब देखो थ्री, ये आपने बेसिकली ये थ्री माइनस के फोर आयोटा को इससे मल्टीप्लाई करवाना है, बेसिक बात है भाई, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं आप सबको आता है मेरा बेटा मल्टीप्लाई करना, कि भाई यहाँ पे अगर मैं इसको ऐसे करके एक बड़े ब्रैकेट में बंद कर दूं, एक बड़े ब्रैकेट में बंद कर दूं और ये सारे छोटे ब्रैकेट्स में आ जाए, सिंपल मल्टीप्लाई करोगे थ्री फोर दर क्या हो जाएगा ट्वेल्व का ट्वेल्व, ये थ्री जाके फोर से मल्टीप्लाई होगा थ्री फोर दर ट्वेल्व, फिर ये थ्री जाके जब फाइव आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो फाइव थ्री जार हम सबको मालूम है क्या होता है फिफ्टीन आयोटा, ये नेगेटिव का फोर आयोटा जब फोर से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा फोर फोर दर सिक्सटीन आयोटा, और नेगेटिव का फोर आयोटा जाके जब फाइव आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो नेगेटिव का नेगेटिव फाइव फोर जार ट्वेंटी और आयोटा 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 स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर है मेरा बेटा। और ये बाहर क्या मौजूद है, बाहर है नेगेटिव का फाइव प्लस का सिक्स आयोटा, बाहर क्या है नेगेटिव का फाइव प्लस का सिक्स आयोटा, इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं भाई, क्या बन जाएगा ये हो जाएगा ट्वेल्व का ट्वेल्व प्लस का फिफ्टीन माइनस का सोलह, पंद्रह में से अगर तुम सोलह निकाल दो मेरा बेटा तो क्या बचेगा नेगेटिव का आयोटा बचेगा, जाहिर सी बात है, और देखो ये आयोटा स्क्वायर होता है माइनस का वन, तो क्या बन गया प्लस का ट्वेंटी बन गया, और ये बाहर क्या आ रहा है बाहर ब्रैकेट किया है नेगेटिव का फाइव प्लस का सिक्स आयोटा, सिंपल सी चीज है यार, फर्दर सिंप्लीफाई हो जाएगी। अच्छा बारह प्लस बीस, देखो यार बीस प्लस बारह बहुत ही सिंपल टर्म है भाई, ये बन जाएगा बत्तीस, क्या हो जाएगा भाई थर्टी टू, बीस प्लस बारह बत्तीस, सिंपल तरीके थर्टी टू, तो यहाँ पे क्या आ गया थर्टी टू माइनस का आयोटा, और ये बाहर क्या आ रहा है माइनस का फाइव प्लस का सिक्स आयोटा, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई मसला, भाई सिंपल सी चीज है मेरा प्यारा बेटा, हमने क्या करें वैल्यूज डालने, तो वैल्यूज डाल दोगे, अब ये थर्टी टू जाके सिंपली माइनस के फाइव से मल्टीप्लाई हो जाएगा, थर्टी टू इंटू फाइव क्या हो जाएगा थर्टी टू जाके नेगेटिव के फाइव से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा फाइव टू टेन का टेन, पंद्रह का एक कैरी, ये हो जाएगा नेगेटिव का 160, क्या हो गया नेगेटिव का 160, थर्टी टू जाके सिंपली नेगेटिव के फाइव से मल्टीप्लाई होगा, फिर थर्टी टू जाके प्लस के सिक्स आयोटा से ही मल्टीप्लाई होगा, जब ये थर्टी टू जाके नेगेटिव के सिक्स आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा मेरा बेटा, ये हो जाएगा थर्टी टू इंटू सिक्स, थर्टी टू इंटू सिक्स क्या होता है मेरा बेटा, कैलकुलेटर आपके पास मौजूद है, ये हो जाएगा सिंपल तरीके से प्लस का 192, फिर ये माइनस का आयोटा जब जाके माइनस के फाइव से मल्टीप्लाई होगा ये हो जाएगा हमारे पास अल्लाह भला करे माइनस माइनस प्लस का फाइव आयोटा, माइनस माइनस प्लस का फाइव आयोटा, और ये माइनस आयोटा जब प्लस सिक्स आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो विल बिकम माइनस का सिक्स आयोटा स्क्वायर, नेगेटिव का 160 नेगेटिव का 160 एज इट इज, प्लस का 192 आयोटा प्लस का 5 आयोटा, 192 प्लस का 5 किसके बराबर आएगा, ये हो जाएगा 197, यहाँ पे आ गया प्लस का 197 आयोटा, और इधर क्या है माइनस 6 आयोटा स्क्वायर, माइनस माइनस क्या हो जाएगा मेरा बेटा प्लस का 6 हो जाएगा, सही है ना मेरा बेटा, तो माइनस का 160 प्लस का 6 माइनस का 160, 160 में से अगर तुम 6 निकाल दो जाहिर सी बात है क्या बचेगा 154, हाँ नेगेटिव का 154, तो क्या आ गया नेगेटिव का 154 प्लस का 197 आयोटा, फाइनली ये पर्टिकुलर टर्म आपकी फाइनल वैल्यू आ रही है राइट हैंड साइड की, यानी कि ये वैल्यू आ रही है किसकी राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड की सॉरी, ये किसकी वैल्यू आ रही है लेफ्ट हैंड साइड की, अभी राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है, तो देखो इसमें कोई मसले की बात नहीं है, मैं एक बार कोई रिविजन दे देता हूँ, इसमें कोई मसले की चीज नहीं है, ये बेसिक चीज है, बहुत आसान क्वेश्चन है, पांच नंबर के लिए पक्का क्वेश्चन है,
तुम्हारे पेपर में लाजमी आएगा 5 नंबर के लिए। सिंपल तरीके से भाई, सबसे पहले आपने एसोसिएटिव लॉ लिखा, उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड को लेके चले, लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करवा दिया, आगे तक मल्टीप्लाई करवा दिया। अब लास्ट में क्या करना है मेरा बेटा, अब राइट हैंड साइड को लेके चलूंगा, यानी कि पहले जेड टू जेड थ्री मल्टीप्लाई होंगे, उसका जेड एन मल्टीप्लाई होगा। अगर तो यही आंसर आया तो इसका मतलब वेरीफाई हो रही है प्रॉपर्टी। अब की बारी में क्या करेंगे, राइट हैंड साइड को लेंगे, अब की बारी में क्या लेंगे, राइट हैंड साइड को लेंगे मेरा बेटा। राइट हैंड साइड क्या कह रही है, राइट हैंड साइड कह रही है कि भाई जेड वन को अगर तुम मल्टीप्लाई करवा दो किसके साथ, जेड टू और जेड थ्री के मिक्सर के साथ, तो क्या बनेगा। क्या कहता है भैया, ये सिंपल सी बात कह रहा है, जेड वन को अगर जेड टू और जेड थ्री से मल्टीप्लाई किया जाए, मेरा बेटा जेड वन की वैल्यू क्या है, गौर से भाई, तमाम बच्चों का रिप्लाई चाहिए, अगर मेहनत से पढ़ाई करो सबका रिप्लाई चाहिए। जेड वन की वैल्यू क्या है, जेड वन की वैल्यू है 3 - का 4 आयोटा, ब्रैकेट में रख देता हूं ताकि जिंदगी थोड़ी आसान रहो हमारी। जेड टू की वैल्यू क्या है, जेड टू की वैल्यू है 4 + का 5 आयोटा, Z2 की वैल्यू 4 + 5 आयोटा। PDF अवेलेबल होगी आपके पास, किताब परचेस कर लेनी चाहिए, अभी तक नहीं करी तो इंतहाई नलायक हो बेटा। Z3 की वैल्यू क्या है, Z3 की वैल्यू है -का 5 + का 6 आयोटा। सही है भाई, अब सिंप्लीफाई करते हैं। अकॉर्डिंग टू बोर्ड मैथ्स हमेशा पहले इंटरनल ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है, तो पहले ये अंदर वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे भैया। कैसे करेंगे, बहुत ही आसान चीज, ये 4 जाके जब -5 से मल्टीप्लाई होगा तो -का 5 * 4, 5 4 = 20 नेगेटिव का, फिर 4 जाके जब +6 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो 4 * 6 + का 24 आयोटा, और फिर 5 आयोटा जाके जब -5 से मल्टीप्लाई होगा तो मेरा बेटा सिंपल तरीके से क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास, अल्लाह भला करे -का 5 5 = 25 आयोटा, फिर 5 आयोटा जाके +6 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 5 6 + का 30 आयोटा। सही है ना मेरा बेटा, तो सिंपल तरीके से हम लोगों ने क्या कर दिया, हम लोगों ने तमाम की तमाम वैल्यूज को आपस में पहले मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा आई एम सो सॉरी, आयोटा स्क्वायर होगा, या ऑब्वियसली क्या हो जाएगा भाई, 5 आयोटा जाके 6 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो 5 6 = 30 आयोटा स्क्वायर। अब क्या करेंगे, थोड़ा सिंप्लीफाई करवा लेंगे इसको, 3 - का 4 आयोटा एज इट इज का एज इट इज, मजे करने दो इसको अभी। देखो भाई ये क्या 30 आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर का मतलब -1 - का 30 - का 20, ये हो जाएगा -50 के बराबर। क्या हो जाएगा मेरा प्यारा बेटा, -50 के बराबर। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा 24 आयोटा - का 25 आयोटा, 24 में से 25 आयोटा निकाल दिया तो क्या बचेगा बेटा, -का आयोटा बचेगा। अब सिंपल तरीके से फाइनली इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को सॉल्व करवाएंगे तो मेरा बेटा सबसे पहले क्या होगा, 3 जाके 50 से मल्टीप्लाई होगा, कैलकुलेटर मौजूद है आपके पास, 3 50 = 5 30 = 15 150, क्या बनेगा मेरा बेटा सिंपल तरीके से, -का 150। सही है ना मेरा बेटा, 3 जाके जब -का आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो -का 3 आयोटा, फिर -का 4 आयोटा -के 50 आयोटा से -के 50 से मल्टीप्लाई होगा। अब देखो भाई -का 4 आयोटा तो -1 तो प्लस हो गया, सही है, फिर 4 * 50 सिंपल सी बात है 200 के बराबर आना चाहिए, क्या हो जाएगा 4 * 50 +का 200 और आयोटा एक ही है तो 4 आयोटा जब -आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो -+4 आयोटा स्क्वायर, क्या बन जाएगा मेरा बेटा सिंपल तरीके से, ये हो जाएगा -का 150 एज इट इज। सही है ना मेरा बेटा, -का 150 एज इट इज, -का 3 आयोटा +का 200 आयोटा, बड़ी वैल्यू प्लस वाली है तो क्या करेंगे बेटा, प्लस का साइन आएगा 197 आयोटा, और 4 आयोटा स्क्वायर क्या होता है भैया, 4 आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, तो -4 यानी कि यहाँ पर आ गया है ना भाई, तो -150 - 4 -150 - 4 का मतलब क्या है, -154 और +197 आयोटा एज इट इज का एज इट इज। तो ये फाइनली हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे वैल्यू आ गई इसकी। अब गौर से देखो इस बात को, क्या ये वाली वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू और राइट हैंड साइड की वैल्यू आपस में बराबर आ रही है या नहीं आ रही है, गौर से सोच के समझ के बताइएगा, क्या लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यू लिखी हुई है क्या ये राइट हैंड साइड के बराबर है या नहीं है। जस्ट लेट मी नो दिस थिंग, बराबर है इसका मतलब क्या लिख दोगे लास्ट के अंदर, हैंस प्रूव डेट। तो बेटा 5 नंबर के लिए ये पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 5 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप देख लो क्वेश्चन लंबा जरूर है मगर है बहुत इजी। क्लियर है मेरा बेटा, सिंपल सी बात है, देखो सबको क्लियर है, कोई मसला किसी बच्चे को, वो तमाम बच्चे जो लाइव क्लासेस में बैठे हुए बेटा इसीलिए बैठे हो पैसे देके कि आप लाइव क्वेश्चन पूछ सकते हो, वरना भाई लेक्चर तो हर जगह से मिल जाएंगे। असल बात ये कि आपको क्वेश्चन कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, असल बात ये कि आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए उस चीज की। क्लियर है मेरे तमाम बच्चों सबको, हाँ भाई तमाम के तमाम स्टूडेंट्स को क्लियर है, कोई मसला कोई परेशानी कोई प्रॉब्लम। पार्ट नंबर 5 के ऊपर मूव करेंगे मेरा बेटा फौरन से।
पार्ट नंबर 5 क्या कहता है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। अब ये जो पार्ट है ना, ये भी एमसीक्यू, ये शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर आने के बहुत चांसेस हैं। इसका मतलब क्या है, पहले तो इसको भी समझेंगे, परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। क्या कह रहे हैं भैया, पहले स्टेटमेंट लिख देते हैं। स्टेटमेंट कही जा रही है कि मल्टीप्लीकेशन जो है वो कैसी है, डिस्ट्रीब्यूटिव है ओवर एडिशन। आइए चेक कर लेते हैं मेरा बेटा, इसमें कोई मसले की बात थोड़ी है। क्या कह रहे हैं भैया, मल्टीप्लीकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव। कैसी है भैया, डिस्ट्रीब्यूटिव है। डिस्ट्रीब्यूटिव है किसके ऊपर, ओवर एडिशन। ओके, तो ये जो पार्ट है ये भी आपके पास एमसीक्यूज के अंदर या शॉर्ट के अंदर आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, मार्क कर लीजिएगा। पहले बता रहा हूं, डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। अच्छा भाई, इस क्वेश्चन को देखो मेरा बेटा कैसे सॉल्व करोगे। देखो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए इसके मायने क्या है। मेरा बेटा इसके मायने ये बहुत ही सिंपल से, कैसे सिंपल से सर, जरा ये बताइएगा भाई। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। एक तीसरी तरह की जो प्रॉपर्टी हमारे पास होती है, इसको हम क्या कहते हैं भैया, इसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये मैथ्स की एक तीसरी प्रॉपर्टी, हम इसको नॉर्मली एक्सेप्ट कर रहे होते हैं जब हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की बात करते हैं, जब हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की बात करते हैं। यानी कि एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसके अंदर एडिशन भी शामिल हो और मल्टीप्लीकेशन भी शामिल हो। इट इज सम सॉर्ट ऑफ अ मिक्सचर ऑफ एडिशन एंड दी मल्टीप्लीकेशन। यानी कि इसमें मल्टीप्लीकेशन भी होगी, एडिशन भी होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इसको बात करूं आसान भाषा में, अगर मैं बात करूं आसान भाषा में, तो एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसके अंदर एसोसिएटिव लॉ भी हो और कम्यूटेटिव लॉ भी हो, यानी कि ऐसी प्रॉपर्टी जो दोनों प्राइम लॉस का मिक्सचर हो, उसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं। कैसे, बात समझिएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर की जबान में बात समझा दूंगा। कि लेट सपोज मेरे पास एक तरफ गिवन हो Z1 इंटू Z2 प्लस का Z3। आप जानते हैं क्या लिखा हुआ है, ये आपके पास सिंपल तरीके से मल्टीप्लीकेशन प्लस एडिशन की टाइप आ रही है। क्या आ रही है भैया, मल्टीप्लीकेशन प्लस एडिशन की एक तरफ की टाइप, और इक्वल टू के इस तरफ क्या हो, Z1 Z2 इंटू Z1 Z2 प्लस का Z1 Z3। यानी कि प्रॉपर्टी क्या होती है बेसिकली, ए स्टेरिक बी स्टेरिक सी इक्वल टू के बाद ए स्टेरिक बी स्टेरिक ए स्टेरिक सी। दैट्स द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्या प्रॉपर्टी है, क्या नहीं है, बहुत आसान चीज है, इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखो ये आपसे बेसिकली प्रॉपर्टी क्या कहती है, एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसके अंदर मल्टीप्लीकेशन भी हो बट विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, या फिर इसको आसान भाषा में वैसे कहते हैं कि मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन आ रही है। यानी कि मल्टीप्लीकेशन तो है, मगर किन टर्म्स के ऊपर है, एडिशन की टर्म्स के ऊपर है। किन टर्म्स के ऊपर है, एडिशन की टर्म्स के ऊपर है। तो ये इसकी बेसिक प्रॉपर्टी होती है। यानी कि मैंने आप लोगों को क्या बात पढ़ाई कि मल्टीप्लीकेशन या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन क्या होती है, एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसके अंदर मल्टीप्लीकेशन तो शामिल हो मगर एडिशन की बेसिस के ऊपर या एडिशन के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपके सामने इसका बेसिक फॉर्मूला लिख दिया अकॉर्डिंग टू कॉम्प्लेक्स नंबर, कि भाई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें मल्टीप्लीकेशन भी होगी एडिशन भी होगी, यानी कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी शामिल होगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी शामिल होगी। आसान भाषा के अंदर अगर आप इस लॉ को देखो, तो ये लॉ कहलाता है डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन का, कि जिसके अंदर आप मल्टीप्लीकेशन करवा रहे हो किसके अगेंस्ट या किसके ऊपर, एडिशन के रिस्पेक्ट से, कि भाई यहाँ पे पहले टर्म या पहला कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, Z2 और Z3 की सम की टर्म से, एडेड टर्म से। सिमिलरली अगर आप इक्वल टू की दूसरी तरफ देखो, तो Z1 Z2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं और Z1 Z3 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मगर दोनों आपस में क्या होंगे, अपने आंसर्स के साथ फिर ऐड हो जाएंगे। तो मल्टीप्लीकेशन तो हो रही है मगर एडिशन की टर्मिनोलॉजी के ऊपर, तभी ये क्या कहलाती है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। कि ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें मल्टीप्लीकेशन भी शामिल हो एडिशन भी शामिल हो। अब इसका क्वेश्चन अगर पेपर में आएगा तो बहुत आसान तरीके से हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे, कि भाई अगेन सबसे पहले नंबर के ऊपर मेरा बेटा आप साइड चूज करोगे, आपको प्रूफ करना है तो लेफ्ट हैंड साइड आपने चूज कर ली। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड क्या है, Z1 इंटू Z2 प्लस का Z3। अगेन ये लॉज आपको याद होने चाहिए, पहले बता रहा हूं मेरा बेटा, ये लॉज जब प्रैक्टिस करोगे तो आपके जहन में होंगे, ऑल्दो बचपन से पढ़ते भी आ रहे हो, अगर आप ओ लेवल्स पढ़े भी हो, नहीं तो लॉज ये आपको याद होने चाहिए। सिंपल सी लॉज है, इसमें मसले वाली चीज नहीं है, सही है ना। अब देखो क्वेश्चन ने आपको Z1 की वैल्यू क्या गिवन थी, Z1 आपको गिवन था 3, -4। आपको Z2 की वैल्यू गिवन है मेरा बेटा किसके बराबर, 4, 5। और Z3 की वैल्यू क्या गिवन है, नेगेटिव का 5, 6। क्लियर है मेरा बेटा। देखो Z1 की वैल्यू क्या है, 3 -4 आयोटा। आपको Z2 क्या गिवन है मेरा बेटा, Z2 गिवन है 4 + 5 आयोटा। प्लस का सिंबल Z3 क्या गिवन है आपको, नेगेटिव का 5 +
का सिक्स आयोटा, क्लियर है मेरा बेटा? अच्छा भाई, अब गौर से देखिएगा, ये थ्री माइनस का फोर आयोटा बाहर, एज इट इज का एज इट इज। चार में से अगर पांच चला जाए, चार में से अगर पांच चला जाए तो क्या होगा, नेगेटिव का वन होगा। फाइव आयोटा प्लस सिक्स आयोटा किसके बराबर होते हैं मेरा बेटा? ये बराबर होता है प्लस के इलेवन आयोटा के, सही है ना? अब सिंप्लीफाई कर दो, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या बन जाएगा, आइए चेक कर लेते हैं भैया। ये हो जाएगा थ्री जाके नेगेटिव वन से मल्टीप्लाई होगा, नेगेटिव का थ्री बन गया। ये थ्री जाके प्लस के इलेवन से मल्टीप्लाई होगा, 33 आयोटा बन जाएगा। नेगेटिव का फोर आयोटा नेगेटिव का वन क्या हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव प्लस का फोर आयोटा, नेगेटिव का फोर आयोटा प्लस का इलेवन आयोटा क्या हो जाएगा, नेगेटिव का 44 आयोटा स्क्वायर, क्या हो जाएगा, 44 आयोटा स्क्वायर। तो भाई क्या हो जाएगा, माइनस का थ्री, 33 प्लस का फोर, सिंपल तरीके से 33 प्लस का फोर किसके बराबर होता है बेटा, 37 के बराबर होगा, जाहिर सी बात है 37 आयोटा आ गया। और आयोटा स्क्वायर का मतलब नेगेटिव का वन, तो प्लस का 44 हो जाएगा ये, तो क्या बन गया भाई, नेगेटिव का थ्री प्लस का 44, आई एम नॉट रॉन्ग, तो 41 हो जाएगा, प्लस का 37 आयोटा। तो ये पर्टिकुलर टर्म आपके पास आंसर आ जाएगी लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर, ये आपके पास टर्म क्या आ गई, लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर। अब राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं, इधर ही सॉल्व कर लेता हूं मैं राइट हैंड साइड को। अब क्या कर रहे हैं, सिंपल तरीके से राइट हैंड साइड को सॉल्व करने पे जा रहे हैं मेरा बेटा, किसको मूव करने पे जा रहे हैं, राइट हैंड साइड को। वेरी गुड, क्या करेंगे मेरा बेटा, राइट हैंड साइड की वैल्यूज को उतार दोगे। राइट हैंड साइड की वैल्यूज क्या आ रही है, ये आ रही है जेड वन जेड टू प्लस का जेड वन जेड थ्री, यानी कि सिंपल तरीके से क्या करेंगे, राइट हैंड साइड की वैल्यूज को उतार देंगे। सिंपल तरीके से हमें राइट हैंड साइड की वैल्यूज को क्या करना है, उतार देना है। अब तमाम वैल्यूज को पुट करना है मेरा बेटा, बहुत आसान चीज है, कोई मुश्किल चीज नहीं है इसमें। देखो जेड वन की वैल्यू क्या है, जेड वन की वैल्यू है थ्री माइनस का फोर आयोटा इंटू जेड टू, जेड टू की वैल्यू क्या है, फोर प्लस का फाइव आयोटा प्लस का सिंबल। जेड वन की वैल्यू क्या है, जेड वन है थ्री माइनस का फोर आयोटा, और जेड थ्री क्या है, जेड थ्री है नेगेटिव का फाइव प्लस का सिक्स आयोटा, क्लियर है मेरा बेटा? सिंपल तरीके से इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे, क्या करवाएंगे भैया, मल्टीप्लाई। तो थ्री इंटू फोर, थ्री फोर जार ट्वेल्व हो जाएगा, थ्री फाइव जार फिफ्टीन आयोटा, और नेगेटिव का फोर आयोटा जब फोर से मल्टीप्लाई होगा तो फोर फोर जार, फोर फोर जार सिक्सटीन, और आयोटा का आयोटा एज इट इज, फिर नेगेटिव का नेगेटिव, फाइव फोर जार ट्वेंटी आयोटा स्क्वायर, ये पूरी की पूरी टर्म यहां पर आ गई, क्लियर है मेरा बेटा? अब सिंप्लीफाई करेंगे इसको, सिंप्लीफाई करके सॉल्व करेंगे, प्लस का प्लस देखो एज इट इज, थ्री फाइव जार नेगेटिव का फाइव, थ्री जार फिफ्टीन, थ्री सिक्स जार सिक्स, थ्री जार अट्ठारह का अट्ठारह एज इट इज, प्लस का अट्ठारह आयोटा। उसके बाद क्या हो जाएगा मेरा बेटा, सिंपल तरीके से उसके बाद हम लोग इसको मतलब सिंप्लीफाई करेंगे, कैसे, नेगेटिव का फोर आयोटा जो फाइव से मल्टीप्लाई होगा नेगेटिव को, तो क्या बन जाएगा, नेगेटिव का फाइव फोर जार ट्वेंटी, मगर ये नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया, प्लस हो गया, तो प्लस का ट्वेंटी आयोटा। फिर नेगेटिव का फोर आयोटा जाके सिक्स आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा फोर सिक्स आर ट्वेंटी फोर आयोटा, क्लियर है भाई? यानी कि तमाम के तमाम ब्रैकेट्स को हमने एक्सपेंड कर दिया, तमाम के तमाम ब्रैकेट्स को हम लोगों ने क्या करा मेरा बेटा, एक्सपेंड कर दिया। थ्री फोर आर ट्वेल्व, थ्री इंटू फाइव आयोटा फिफ्टीन आयोटा, नेगेटिव का फोर फोर आर सिक्सटीन, नेगेटिव का फोर आयोटा फाइव आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सिंपल नेगेटिव का ट्वेंटी आयोटा स्क्वायर। देखो एक बार चेक करना जरूरी होता है, थ्री फाइव जार नेगेटिव का फिफ्टीन, फिर थ्री सिक्स जार अट्ठारह, सही है, नेगेटिव का फोर इंटू फाइव, सिंपल तरीके से ये हो जाएगा नेगेटिव नेगेटिव प्लस ट्वेंटी आयोटा, नेगेटिव का फोर आयोटा इंटू सिक्स, सिक्स फोर जार ट्वेंटी फोर आयोटा आपके पास सिंपल तरीके से यहाँ पे आ गया। अब फर्दर इसको क्लासीफाई कर दोगे, फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर दोगे मेरा प्यारा बच्चा, कैसे, देखो भाई ये ट्वेल्व का ट्वेल्व एज इट इज, प्लस का पंद्रह माइनस का सोलह, तो पंद्रह में से अगर सोलह निकाल दो क्या बचेगा, नेगेटिव का आयोटा, और नेगेटिव का ट्वेंटी आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होते हैं भैया, ये बराबर होते हैं माइनस माइनस प्लस के ट्वेंटी के, सही है ना भाई, क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस के ट्वेंटी के, प्लस का सिंबल एज इट इज, नेगेटिव का फिफ्टीन यहां पर एज इट इज, अट्ठारह प्लस बीस, भाई सिंपल सी मैथ है, अट्ठारह में अगर तुम बीस का इजाफा कर दो क्या बन जाएगा, थर्टी एट, क्या बन जाएगा, प्लस का थर्टी एट आयोटा, और यहाँ पे क्या है, माइनस का ट्वेंटी फोर आयोटा स्क्वायर का मतलब क्या है, माइनस का ट्वेंटी फोर आयोटा स्क्वायर का मतलब क्या है, ये सिंपल तरीके से हो जाएगा प्लस का ट्वेंटी फोर, सिंप्लीफाई भाई, बारह प्लस बीस क्या हो जाएगा, सिंपल तरीके से बत्तीस का बत्तीस, और माइनस का आयोटा एज इट इज का एज इट इज, प्लस का सिंबल यहाँ पर, नेगेटिव का फिफ्टीन प्लस का ट्वेंटी फोर क्या होगा, नेगेटिव का फिफ्टीन प्लस का ट्वेंटी फोर नाइन के बराबर, और प्लस का थर्टी एट आयोटा एज इट इज का एज इट इज, क्लियर है मेरा बेटा? अब क्या करोगे, सिंप्लीफाई कर दो, थर्टी टू प्लस का नाइन, थर्टी टू प्लस का नाइन सिंपल तरीके से किसके बराबर आ जाएगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 41 है ना भाई, 41 के बराबर आ जाएगा, और माइनस का आयोटा प्लस का 38 आयोटा, क्योंकि बीच में प्लस का सिंबल है, सिंपलीफाई दोनों को प्लस करना है आपने, तो माइनस का आयोटा प्लस का 38 आयोटा किसके बराबर होगा, प्लस के 37 आयोटा के, और इस तरीके से फाइनली ये आपके पास आंसर आ गया, इस तरीके से फाइनली आपके पास ये आंसर आ गया। और अगर आप गौर से देखिएगा तो
तो दोनों पर्टिकुलर ऑप्शंस का आंसर आपके पास क्या आ रहा है मेरा बेटा, सिमिलर आ रहा है। यानी कि जो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आ रही है वही आपके पास राइट हैंड साइड की भी वैल्यू है। दिस पर्टिकुलर थिंग शोज कि हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वेरीफाई करती है। दिस पर्टिकुलर थिंग वेरीफाइज कि हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है। अगर आप गौर से देखें तो हमें क्या पता चलता है कि भाई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वेरीफाई होती है। तो इस तरीके से हमारा फाइनली क्वेश्चन नंबर वन अपने मन तक ही अंजाम को पहुंचता है। तो क्वेश्चन नंबर वन का पार्ट वन पार्ट टू बहुत इजी था, मगर पार्ट थ्री पार्ट फोर पार्ट फाइव वाज अ कॉम्प्लेक्स वन। तो रिमेंबर दिस थिंग, अपने आप को मार्क कर लीजिए। यहाँ पे देखो मेरा बेटा, मैंने एक एक स्टेप आपको खुद करके दिखाया है, उसके पीछे रीजन है, कोई स्टेप आपको खुद से करने नहीं दिया मेरा बेटा। इन क्वेश्चंस को करवाने का आपको रीजन यही था कि आपको पता चल सके कि दो चीजें, पहली चीज कि यार ये 5 नंबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली चीज क्या है कि 5 नंबर के लिए क्वेश्चन शॉर्ट में बहुत ज्यादा पूछा जाएगा। दूसरे नंबर के ऊपर यार अगर आप गौर से देखो तो यहाँ पे बेसिक कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है। एज अ टीचर कोई भी बंदा इस कैलकुलेशन पे कंफ्यूज हो सकता है अगर वो अटेंशन से नहीं कर रहा। यानी कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे जितनी भी कैलकुलेशन हो रही है बेसिक, आप बेसिक कैलकुलेशन है ऑल्दो, अगर आप फ्रेश माइंड में आप इजीली कर सकते हो, बट अगेन कोई भी बंदा ह्यूमन बींग यहाँ पे किसी भी तरीके से फंस सकता है। अगर उसने एक दफा गलती कर दी तो वो गलती वो ऑब्वियसली नीचे तक साथ लेके चलेगा और उसका इवेंचुअली आंसर क्या आएगा, गलत आ जाएगा। तो कहने का मकसद क्या है कि भाई क्वेश्चन इज नॉट अ मुश्किल थिंग, बट इसको सॉल्व करना विद क्विक माइंड ऑब्वियसली ये टफ थिंग होगी बच्चे के लिए। तो ये कैसे सही करोगे, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी प्रैक्टिस के ऊपर आप सही कर सकते हो। क्लियर है मेरा बेटा, सिंपल सी बात है। यहां तक किसी बच्चे को कोई मसला, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम?